तो देखो, चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने पहले ही कहा है कि जो फिजिक्स के टॉपिक है 10th क्लास में, टॉपिक कम है बट हैवी है। मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य सही बात बताना है। दूसरी चीज, तुमने अब तक न्यूमेरिकल देखे? बिल्कुल बच्चों वाले न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, हमें मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस इसके अलावा कुछ और खास करना ही नहीं होता है, सिंपल सिंपल सा काम करना पड़ रहा है। तो अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वो ऐसा टॉपिक है, अगर उस टॉपिक को नहीं समझा तो उसके अगले वाला टॉपिक नहीं आएगा, अगर उसका अगला वाला टॉपिक नहीं समझा तो उसका नेक्स्ट टॉपिक नहीं आएगा। मतलब सारे टॉपिक अब इस चैप्टर में कनेक्टेड हैं, एक टॉपिक दूसरे से कनेक्ट है तो दूसरा टॉपिक तीसरे से कनेक्ट है। तो देखो, मैंने तुम्हें दो चीजें बताई हैं, एक तो बताया है अब तक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक चीज बताई है पोटेंशियल डिफरेंस, और एक चीज बताया है करंट। भाई दो टॉपिक पढ़ाए, एक करंट और एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को शो करते हैं वी से, और करंट को शो करते हैं आई से, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे शो करते हैं? वी से, और करंट को शो करते हैं आई से। ये बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत बड़ा काम तो मैंने बोला नहीं है, या कोई बहुत बड़ा काम बोला है। ठीक है, अब देखो, मैं आज का जो टॉपिक करवाऊंगा उसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, हिंदू होते हैं ना, हिंदू में भगवान होते हैं शिव, ओम उससे ही बनाया ओम। ठीक है, खैर वो तो मजाक की बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको उसी तरह से पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। उस बंदे का नाम ओम था जिसने ये बनाया था। ठीक है, पहले अभी मैं पूरा नाम लिखवा दूंगा, मेरे पास है उसका पूरा नाम, तब नोट कर लेना, उसका डाटा भी नोट कर लेना। अब लॉ समझते हैं कि लॉ क्या है। लॉ होता है कानून, एक तरीके का प्रिंसिपल, कि यार इस चीज में ये प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। अब ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, कई बार ड्रॉ करने को आ चुका है, ड्रॉ करने को, फॉर्मूला डिराइव करने को, ध्यान रखना, छोटा सा डेरिवेशन, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा है कि तुम कहोगे भैया ये डेरिवेशन तो एक नंबर में आना चाहिए। डेरिवेशन समझते हो, फॉर्मूला बनाना। ठीक है, इसका डायग्राम बनाने को आ चुका है, इसका फॉर्मूला डिराइव करने को आ चुका है, और ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कई बार आ चुकी है, ये तीनों चीजें पेपर में। तो देखो, बहुत ही सिंपल सी बात क्या था, देखो किसी भी सर्किट के अंदर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ध्यान से सुनो, किसी भी सर्किट के अंदर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, करंट। बात समझ में आई? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा। अब ध्यान से सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट भी कम। अभी ज्यादा गौर मत करो, ठीक है, केवल मेरी बातों को सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे 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 तो उस सर्किट के अंदर करंट भी तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो करंट भी धीरे धीरे सर्किट के अंदर क्या होता जाएगा, कम। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ये हो कैसे रहा है, क्वेश्चन यही है ना कि भैया ऐसे कैसे, क्यों? तो भाई ये तो प्रैक्टिकल की बात है, एक्सपेरिमेंट की बात है, हो कैसे रहा है ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है तुम लोगों की एनसीईआरटी में, ना ही सिलेबस के अंदर। नहीं तो मैं ओम्स लॉ एक्सप्लेन कैसे करना है गूगल पे से देखकर खूब समझा देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसका डायग्राम क्या होता है। कौन कौन सी तीन चीजें मैंने बोली है, ओम्स लॉ का मतलब, मतलब कि उसकी स्टेटमेंट, ओम्स लॉ का फॉर्मूला मतलब कि उसका डेरिवेशन, और ओम्स लॉ का डायग्राम। डायग्राम और फॉर्मूला और स्टेटमेंट तभी समझ में आएगी जब ये बात समझ में आएगी। देखो बोर्ड पे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, करंट। जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस करोगे उतना कम क्या हो जाएगा, करंट। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है,
मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? ध्यान रखना, एक चीज बढ़ाने पर दूसरी चीज बढ़ रही है। बोर्ड पर इधर देखो सामने मेरे, एक चीज बढ़ाने पर दूसरी चीज भी बढ़ रही है और एक चीज कम करने पर दूसरी चीज भी कम हो रही है। मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। बोर्ड पे देखो, एक चीज तुमने बढ़ाई, ऊपर की तरफ गया ना एरो, दूसरी चीज भी बढ़ गई। ठीक है, एक चीज कम करी, दूसरी चीज भी कम कर दी। ऐसा रिलेशन कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखो ये वर्ड, ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो बातें होती हैं, एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब समझो, क्योंकि हमें इनवर्सली की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम किस पर फोकस करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर। तो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम उसे कहते हैं जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, और जब एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज भी कम होती है। अब क्वेश्चन ये है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ये रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन को लिखेंगे कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इस रिलेशन को लैंग्वेज में नहीं लिखना, मैं थोड़ा पास पास लिख लेता हूं, अब सही है। देखो, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कैसा रिलेशन था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको लैंग्वेज में नहीं लिखना, इसको लिखना है इसके सिंबल के अकॉर्डिंग। देखो बोर्ड पे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा साइन तुम्हें मैथ्स में सुनने को मिलता है। बोर्ड पे देखो, मैथ्स में तुमने एक वर्ड सुना होगा इन्फिनिटी। नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, मैं इसका सिंबल तुम्हें बताता हूं। इन्फिनिटी का साइन होता है ये। बच्चों को लगता है कि इन्फिनिटी का साइन पूरी तरह से बंद होता है इस तरह से, लेकिन चलो मैं तुम्हें बड़ा बना देता हूं, छोटे में तुम्हें दिखाई नहीं देगा। देखो, इन्फिनिटी का साइन है ना, वास्तव में ऐसा होता है, उसका एक तरफ से जो फेस होता है वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है। ये साइन इतना छोटा होता है इसलिए बच्चों को ये आदत पड़ जाती है कि इसको मिला दिया जाए। नहीं, ये इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी हमेशा थोड़ा सा खुला हुआ होता है जरूर। ये है इसका बड़ा साइन। ठीक है, अब तुम सोच रहे होंगे मैं समझा रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं इन्फिनिटी पर क्यों चला गया? मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और वो है इन्फिनिटी का साइन। देखो देखो, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना, फर्क क्या है? फर्क ये है, इसका जो मुंह खुला हुआ होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ होता है और इन्फिनिटी का कम खुला हुआ होता है। बात समझ में आई कि मैंने इन्फिनिटी क्यों बताया था? देखो, इन्फिनिटी में कितना कम मुंह खुला हुआ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ है। मिला मत देना इसको, अगर तुमने इसको ऐसे मिला दिया, कट गया मार्क्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कर दिया तुमने गलत। ठीक है, और कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना इसको इन्फिनिटी की तरह बना देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। कुछ बुक्स के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह इन्फिनिटी का साइन भी लगा रखा होता है। बात वही है, इन्फिनिटी को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कई बार दे दिया जाता है। ठीक है, तो उससे परेशानी वाली बात कोई नहीं है, बस ध्यान रखना कि मुंह थोड़ा सा ज्यादा खोलना। तो ये तो हुई बात साइन की। अब तुम्हें साइन का मतलब समझ में आ गया ना? देखो, इस साइन का मतलब होता है, बोर्ड पे देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा तो तुम्हें करंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस कम किया जाएगा तो तुम्हें करंट को भी कम करना पड़ेगा। ये कहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट सुनो कितनी आसान है। ठीक है, देखो कितना आसान है, अभी समझ। ओम्स लॉ बिना लिखवाए याद होएगा, बिना लिखवाए देखो, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, बोर्ड पे देखो, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। पूरा वर्ड बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर और एक्सप्लेन करना है तो ये लिख दो, देखो सिंस बाय इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस, बाय डिक्रीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट आल्सो डिक्रीजेस। मतलब अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को कम करा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम हो जाएगा। ये है ओम्स लॉ की डेफिनेशन। तो फटाफट से आज के लिए हेडिंग डालो ओम्स लॉ, क्योंकि पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखवाऊंगा फिर करवाऊंगा डेरिवेशन। देखो ये चीज समझ में आ गई ना, V, अब पता चल गया तुम्हें V और I का मतलब यहां पर क्या है। V पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट, और इनके बीच में ये वाला साइन लग रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिखो लिखो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और हमने एक चीज जरूर मान रखी है, टेम्परेचर कैसा है, कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर में ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। लिखो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, बोर्ड पे लिखा हुआ है थ्रू, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पेलिंग का ध्यान रखना, भी मैंने लिखवाई थी, थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होता है बताओ, इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो कुछ भी बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस को उसके प्रोपोर्शनल बोलो या फिर इलेक्ट्रिक करंट को इसके प्रोपोर्शनल बोलो, एक ही बात है ना। अगर उसका इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है तो इसका भी तो उससे है। देखो बोर्ड पे, अगर ये उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी तो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के होने से नहीं काम बनता। तो चाहे तुम वी को आई के साथ बोलो, चाहे आई को वी के साथ बोलो, एक ही बात है। तो मैंने लिखवाया है द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ठीक है। अब किस साइंटिस्ट ने ये कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से हमें एक लॉ पढ़ना पड़ गया, उसके बारे में कुछ बातें नोट में लिखो। लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, लिखो अ जर्मन फिजिसिस्ट, जर्मन का था ये, मतलब जर्मनी का, अ जर्मन फिजिसिस्ट, बोर्ड पे लिखी हुई फिजिसिस्ट, या फिर इसको फिजिस्ट भी बोलते हैं, फिजिस्ट, फिजिसिस्ट बोलो या फिजिस्ट बोलो, अ जर्मन फिजिस्ट, इसका पूरा नाम लिख लो, लिखो जियोर्ज साइमन, जियोर्ज साइमन ओम, बहुत बढ़िया नाम है इसका भाई, जियोर्ज साइमन ओम। तो इसके नाम में ओम लगा हुआ है तो ये मत सोचना ये इंडियन है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। हाँ डाटा वो लिख लो इसका, थोड़ा सा रफली याद रहेगा। 1787 से इसने मजे करे जिंदगी के 54 तक, 1854 तक, उसके बाद मजे करे मतलब निकल लिया। जर्मन फिजिस्ट जियोर्ज साइमन ओम, ठीक है। फाइंड आउट दिस रिलेशन, इसी ने फाइंड आउट करा था, फाइंड आउट दिस रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड आउट दिस रिलेशन, फाइंड आउट दिस रिलेशन
बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो डेरिवेशन तो मैं भी करा दूंगा, लेकिन पहले ना डायग्राम बना लो, क्योंकि पेपर में पता है कैसे आता है, एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। मतलब वो एक्सप्लेन भी करवा लेते हैं लॉ दो नंबर में, है ना, दो नंबर में लॉ हो गया, और एक नंबर में डायग्राम बोल लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत आसान है। तो तीन नंबर के हिसाब से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, और कई बार आ चुका है पेपर में अब तक। तो देखो डायग्राम बड़ा आसान है, बोर्ड पे देखो, देखो बोर्ड पे, जब मैं ड्रॉ करवाऊं तब करना, ठीक है, वीडियो पॉज करके कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक एक्सिस पर मैंने दिखाया करंट, और एक एक्सिस पर दिखाया पोटेंशियल डिफरेंस। बोर्ड पे देखो, देखो 2 मिनट के लिए, मान लो ये 5 एम्पियर का करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना रहेगा, 5, क्योंकि कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या फिर एक काम करते हैं, उसकी शुरुआत 10 से कर लेते हैं, है ना, उसकी शुरुआत किससे कर लेते हैं, 10 से, है ना, क्या दिक्कत है, 10 से कर ली। अगला इलेक्ट्रिक करंट हो गया 10, मुझे बताओ, पहले इलेक्ट्रिक करंट था 5, अब इलेक्ट्रिक करंट हो गया 10, कितना बड़ा, 5 बड़ा ना, बताओ 5 यूनिट का करंट बड़ा या नहीं बड़ा। 5 यूनिट का करंट बढ़ाना, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा या उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल भाई, उतना ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली जिस प्रोपोर्शन से ये बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन से वो बढ़ेगा, ना तो कम ना ही ज्यादा, यही तो है ओम्स लॉ। तो बोर्ड पे देखो जरा, बोर्ड पे देखो, 5 पर उसका कितना था, 10, पहला पॉइंट ये आएगा ना, मान लो 10 पर उस, देखो ये 5 से 10 हो गया, 5 बढ़ा, उसने भी 5 बढ़ा दिया, उसका अब हो गया 15। बताओ उसका 5 बढ़ने से उसका 15 नहीं हो जाएगा। अब फिर इसने 5 बढ़ा दिया, अब इसके 15 हो गए, बताओ इसने कितने बढ़ाए, 5, वो भी कितने और बढ़ाएगा, उसने भी 5 बढ़ा दिए, 20 हो गए। तो बोर्ड पे देखो, 10 पे 15 अगला पॉइंट आ गया ये, 15 पे 20 अगला पॉइंट आ गया ये। अगर प्लॉट करने में दिक्कत हो रही तो कोई नहीं, ये लो डॉटेड बन गया। आप समझ में आया ना मैंने किस तरह से प्लॉटिंग करी है। वैसे तो मैथ्स में एक बहुत छोटी सी बात है इस तरह से प्लॉटिंग करना, ना तो तुम्हें ये डॉटेड लाइन बना, ध्यान से सुनो, तुम्हें बनाना क्या है, ना तो तुम्हें ये डॉटेड लाइन बनानी है, ना ही तुम्हें ये नीचे नंबर डालने 5 10 15, और ना ही इस साइड, तुम्हें तो ड्रॉ करना है ये सीधी लाइन। ये है ओम्स लॉ, एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, और जरूरी नहीं है, बोर्ड पे देखो, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट नीचे है और पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर है, उल्टा भी हो सकता है। पेपर में जब भी आया ना, दोनों डायग्राम बनाकर दिखाओ, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर ले लिया, इलेक्ट्रिक करंट यहां पर ले लिया, तब भी यही आएगा। क्यों? क्या रिलेशनशिप बदल जाएगी? क्या पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पर रखने से और इलेक्ट्रिक करंट को यहां पर रखने से उनका डायरेक्टली रिलेशनशिप जो था वो खत्म हो जाएगा? नहीं, रिलेशनशिप तो अभी भी वही रहेगा, इसलिए जो ग्राफ आएगा वो भी अभी भी ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो देखो जो चीज मैं बता रहा था, बिल्कुल ऐसा ही तुम्हें इधर बनाना है, ना तो ये डॉटेड लाइन बनाना, ना ये नंबरिंग डालना। ये नंबरिंग और डॉटेड लाइन तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाई थी, जैसा तुमने इस साइड बनाया ना, ये वाला बोर्ड पे देखो, ये वाला बिल्कुल ऐसा ही तुम्हें इधर बनाना था, ये नंबरिंग और डॉटेड मत बनाना। अब हम करेंगे इसका छोटा सा डेरिवेशन। तो देखो अब लिखो वी हैव करके स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ वी हैव करके हमारे पास क्या है, वी हैव का मतलब होता है हमारे पास है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि वी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आई के साथ, वी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आई के साथ, ये बात हमारे पास है। और ये बात कहां से आई है, ओम्स लॉ से, है ना, ये बात हमें कहां से मिली है, ओम्स लॉ से। अब जरा गौर करो, मैं तुम्हें एक चीज ऐसी बताऊंगा जो तुम्हारी 11th की फिजिक्स में, 12th की फिजिक्स में, 10th की फिजिक्स में, 9th की फिजिक्स में हमेशा काम आती है।
जब भी ये साइन दिखेगा ना, जब भी इस बात को हम चिपका लो दिमाग में, जब भी ये साइन दिखता है हमेशा ध्यान रखना इस साइन को हटाना जरूरी होता है। जब हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं ना, तो एंड में इस साइन को क्या करना पड़ता है, हटाना होता है। और इसको हटाने का तरीका इतना आसान नहीं है, देखो बोर्ड पे, कि इसको हटाया इक्वल टू लगा दिया हो गया काम, नहीं। तुम खुद ही सोचो, फिर इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में फर्क ही क्या हुआ, तुमने क्या करा उसको हटा के इक्वल टू लगा दिया, ऐसे नहीं लगा सकते। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो ना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, तो एक कांस्टेंट वैल्यू तुम्हें या तो इधर या फिर इधर मल्टीप्लाई देनी होती है जरूर। ध्यान से सुनो, जब भी तुम इस वाले साइन को हटाकर इक्वल टू लगाओगे, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीपल करना है तुम्हें। क्या करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीपल करना है। मैं बताता हूं क्यों करना है, क्वेश्चन ये है क्यों करना है। मुझे बताओ, वन सबके साथ मल्टीप्लाई होता है ना, मान लो इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई था, वन। देखो आई के साथ भी क्या मल्टीप्लाई हुआ बता, वन मल्टीप्लाई। मैंने बताया वन सबके साथ होता है, तो वन आई के साथ भी है और वन वी के साथ भी है, लेकिन लगाना एक जगह, या तो वी के साथ लगाओ या आई के साथ लगाओ, लेकिन आई के साथ ही लगाना, क्योंकि जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूं वो आई के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, मुझे बताओ वन क्या कोई वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वन एक कांस्टेंट है ना, बताओ। ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब आई के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है। अब क्वेश्चन ये, उस कांस्टेंट को क्या नाम दूं, के नाम दूं, पी नाम दूं, एस नाम दूं, क्या नाम दूं? तो ध्यान रखना, उस कांस्टेंट को नाम देना है आर। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं है कि भैया एकदम से ये आर कहां से आ गया? कोई बात नहीं, अगर है तो देखो, मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर तुम इक्वल टू तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। लेकिन जैसे तुम ये साइन हटाते हो ना, तुम्हें एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई जरूर देनी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि उस कांस्टेंट को किस नाम से मल्टीप्लाई दोगे? तो उस कॉन्स्टेंट को तुमने आर के नाम से मल्टीप्लाई दे दिया, और इसको बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल की वजह से आया है। बताओ ये आर किसकी वजह से आया है? इस साइन को हटाने की वजह से। क्या जब तक साइन था तब तक इसमें आर था? नहीं था। जैसे तुमने साइन को हटाया, तुम्हें आर लगाना पड़ गया, तो ये साइन क्या, ये आर कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। अब क्वेश्चन ये कि भैया आर ही क्यों दिया, के नाम दे देते, पी नाम दे देते, टी नाम दे देते, आर ही क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि अब तुम्हारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ध्यान रखना, आर को नॉर्मली क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। इसका एक स्पेसिफिक नाम और होता है, जो होता है हमारा रेसिस्टेंस। समझ में आ गया, रेसिस्टेंस। अभी भी देखो डेरिवेशन हुआ नहीं है, पहले तो देखो बोर्ड पे देखो, वी हैव करने के बाद ये वाला स्टेप उतारो, ये वाला स्टेप उतारो, और आर के नीचे तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, टेस्ट में भी लिखना है और पेपर में भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आर के नीचे दो एरो बना के लिखना, यहां पर बताना प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट और यहां पर बताना रेसिस्टेंस। अभी मैं कुछ बातें और करता हूं। बोर्ड पे देखो, जब ये सारा उतार लिया है, दो एरो बना के तुमने ये भी उतार लिया है, उतारने के बाद देखो, उतारने के बाद ये स्टेप फिर से उतारना, देखो V इक्वल टू आई आर था ना। मुझे बताओ, आई इधर मल्टीप्लाई है या डिवाइड है? ये आई इधर क्या हुआ भाई, मल्टीप्लाई ना, और अगर आई इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मुझे बताओ क्या आर का फॉर्मूला तैयार हो गया? बिल्कुल, तुमने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बना लिया, तुमने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार कर लिया। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर और करंट होता है नीचे। और ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमने किस लॉ से डिराइव करा है, ओम्स लॉ से। तो कई बार पेपर में आया है
रेसिस्टेंस किस लॉ पर बेस्ड कंसेप्ट है? ध्यान से सुनो, रेसिस्टेंस किस लॉ पर बेस्ड कंसेप्ट है? तो तुम्हें बताना है ओम्स लॉ पर। ये किसके बेस पर बनाया गया है? ओम्स लॉ के बेस पर। अब ये सारा मैं रब कर रहा हूं और ये दो स्टेप भी उतार लेना, ये इतना करोगे तो तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे बताओ, डेरिवेट करके तुम्हें किस चीज का फॉर्मूला मिला है? रेसिस्टेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर और करंट नीचे, ठीक है। अब बात जब रेसिस्टेंस की हो ही रही है, बात जब रेसिस्टेंस की हो ही रही है, तो एक छोटी सी रेसिस्टेंस की क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। तो मुझे बताओ, आर का दूसरा नाम क्या होता है? आर का दूसरा नाम होता है कॉन्स्टेंट, और वो भी पूरा नाम क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, है ना। लिखो डेफिनेशन। तो ये सारी बात है, अब नोट में लिखना। तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, रेसिस्टेंस की डेफिनेशन। लिखो लिखो, आर कैपिटल आर, है ना। देखो ये कैपिटल आर, आर वॉज फाउंड टू बी, आर वॉज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट। मतलब आर को क्या माना जाता है? कॉन्स्टेंट लॉ के अकॉर्डिंग। आर वॉज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर, फॉर गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर, फॉर गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। और पर्टिकुलरली इसको बोला क्या जाता है? रेसिस्टेंस। तो लिखो, फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ऑल्सो नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो क्या नाम होता है? रेसिस्टेंस। फॉर्मूला समझ में आ गया, कैसे बनाया गया ये समझ में आ गया, किस लॉ पर बेस्ड है ये समझ में आ गया, है ना। अब बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की, क्योंकि इसका डेरिवेशन किस लॉ से हुआ है? ओम्स लॉ से, इसलिए रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। अब तुम सोच रहे होंगे, भैया ऐसे लिखे करेंगे क्या, 5 ओम 6 ओम? नहीं, ऐसे नहीं लिखना, ओम नहीं लिखना। मतलब लिख सकते हो, गलत नहीं है, ओम लिख सकते हो, लेकिन ओम का ना एक साइन है, जैसे एम्पियर को किससे शो करते हैं? कैपिटल ए से। ओम का भी एक साइन है, लेकिन ओ नहीं है, ओम का साइन है ये। दिखने में अजीब लगेगा, देखो कैसा साइन होता है, बल्ब जैसा, जैसे बल्ब होते हैं ना, ऐसा ही होता है ओम का साइन, ओम। तो लिखो, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। पहले तो लैंग्वेज में लिखना है, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ओम मतलब लैंग्वेज में लिखना है पहले, तो सिंबल बाद में लिखना है, इज ओम। अब लिखो, रिप्रेजेंटेड बाय ये साइन, ये वाला साइन बस, रिप्रेजेंटेड बाय ओम, इसे बोलते हैं ओम, ठीक है। तो अब तुम्हें एक एसआई यूनिट और एक टॉपिक और मिल गया। अब तक कितने टॉपिक थे? एक तो इलेक्ट्रिक करंट था और एक पोटेंशियल डिफरेंस था। अब एक टॉपिक और मिल गया, रेसिस्टेंस। उसका भी फॉर्मूला बड़ा आसान है, अभी अभी देखो बोर्ड पे, आर का फॉर्मूला वी अपॉन में आई है। जरा गौर करो बोर्ड पे, देखो आई को मैं इधर भेज दूं और आर को इधर, चलो एक काम करते हैं, मैं बोर्ड पे देखो, उतारना नहीं है सिर्फ समझना है। आई को इधर भेज दो, आई इधर डिवाइडेड है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, आई आर हो गया ना। बताओ, जैसे ही आई नीचे से इधर आया, इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई।
अब मुझे बताओ, आर को उधर भेज दो, देखो आई इधर आ गया, आर उधर चला गया, इन्होंने अपनी जगह बदल ली। मैंने ये चीज मैथ्स में कई बार समझाई है, इस तरह से ये अपनी जगह बदल सकते हैं। तो देखो आर को उधर भेज दो, तो वी अपॉन में आर। बताओ करंट का एक नया फॉर्मूला और तैयार हो गया या नहीं हुआ? करंट का, सॉरी, हाँ, करंट का एक नया फॉर्मूला और तैयार हो गया है ना, इसे भी नोट कर लो। लिखो आई इक्वल टू वी अपॉन में आर, और ये किससे बना है? ये बना है रेसिस्टेंस के बेस पर। तो ध्यान रखना, अगर टेस्ट में तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और रेसिस्टेंस है, तब तुम करंट निकाल दोगे ना? निकालना ही चाहिए। अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और रेसिस्टेंस है, तो यहां पर वैल्यू डालो और करंट निकाल दो, बड़ी आसानी से निकल आएगा, है ना। तो करंट का एक नया फॉर्मूला है, तो न्यूमेरिकल में बड़ी सावधानी बरतनी है कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो देखो रेसिस्टेंस वैसे तो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्योरली किसी भी सर्किट के अंदर कांस्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी वोल्टेज को सेम रखने के लिए हमें रेसिस्टेंस बदलना पड़ता है। ध्यान से सुनना, बहुत ही टिपिकल कंसेप्ट है। देखो अगर वोल्टेज को सेम रखना है और करंट की वजह से रेसिस्टेंस को बदलने की जरूरत है, तो ध्यान रखना रेसिस्टेंस अपने आप नहीं बदलता, रेसिस्टेंस को बदलने के लिए एक डिवाइस होता है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि उस डिवाइस का नाम बताओ जिसकी हेल्प से हम किसको बदलते हैं, रेसिस्टेंस को बदलते हैं। तो उस डिवाइस का नाम होता है रियोस्टेट। क्या नाम होता है उस डिवाइस का? रियोस्टेट। तो इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना, रियोस्टेट। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम कंडक्टर का क्या बदल सकते हैं, रेसिस्टेंस बदल सकते हैं। तो लिखो, नोट के अंदर चल रहा था ना, ये मुझे ध्यान नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट था सेकंड पॉइंट था, फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर टू डाल के लिखो। नंबर टू के अंदर रियोस्टेट, इसको पढ़ते हैं रियोस्टेट। तो लिखो लिखो, इट इज अ डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, रेसिस्टेंस को बदलने के लिए। विच इज यूज्ड टू चेंज रेसिस्टेंस, विच इज यूज्ड टू चेंज रेसिस्टेंस, मतलब अगर हमें सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस को चेंज करना है वोल्टेज सेम रखने के लिए, तो उसके लिए हमें किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रियोस्टेट का। ये सर्किट के अंदर फिट हुआ हुआ होता है। तो देखो रेसिस्टेंस का टॉपिक क्यों पढ़ा, क्वेश्चन ये है, रेसिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा ही क्यों? रेसिस्टेंस के बेस पर हम किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बताते हैं। ध्यान रखना, किसी किसी वायर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, किसी किसी वायर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तुमने बचपन से सुना होगा सिल्वर गोल्ड गुड कंडक्टर माने जाते हैं ना, बल्कि सिल्वर को क्या माना जाता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ध्यान रखना, जिसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा लो होगा, जिसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा लो होगा, जितना कम होगा मतलब, ठीक है, उतनी ही उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। और अच्छे से अच्छी कंडक्टिविटी का मतलब समझते हो, अच्छे से अच्छे कंडक्टिविटी का मतलब है कि वो कंडक्टर कैसा कंडक्टर है, गुड। लेकिन अगर रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, बहुत हाई रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई है, उसके अंदर कंडक्टिविटी होगी ही नहीं। जैसे कि लकड़ी, लकड़ी के अंदर क्या इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो पाता है? नहीं, उसकी रेसिस्टिविटी ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अभी अभी धीरे धीरे समझ में आएंगी बातें, मतलब जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है,
जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्टर माना जाता है? बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर? फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो लो रेसिस्टेंस है तो गुड कंडक्टर है, और हाई रेसिस्टेंस है तो बैड कंडक्टर है। लेकिन जिसमें एवरेज है, ना ज्यादा हाई रेसिस्टेंस है ना ही ज्यादा लो रेसिस्टेंस है, ऐसे भी होते हैं कुछ कंडक्टर, ऐसे भी होते हैं, ऐसे कंडक्टर को हम बोलते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टर, ठीक है, रजिस्टर मत कर देना, रेसिस्टर मतलब ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मॉडरेट मतलब एवरेज। तो तीन डेफिनेशन का काम है। तो एक सब हेडिंग बना दो, लिखो नेचर ऑफ कंडक्टर, इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कई बार एक नंबर में आ चुका है। लिखो नेचर ऑफ कंडक्टर, लिखो नंबर 1, इन्हीं के हिसाब से बनाना है। लिखो लिखो एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एन ए एन एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज, ऑफ अ गिवन साइज। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक वायर से है, मतलब तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक वायर है या फिर कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब वायर, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, जिससे क्या निकलता है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस, ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। अब अगली डेफिनेशन तुम खुद बना लोगे, लिखो नंबर 2। अब बतानी है बैड कंडक्टर के लिए, तो लिखो एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज, एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज दैट ऑफर्स हायर रेसिस्टेंस, दैट ऑफर्स, ऑफर्स मतलब जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई है, दैट ऑफर्स हायर रेसिस्टेंस इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर, हायर रेसिस्टेंस इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर, इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर। अब लिखो थर्ड, रेसिस्टर की भी कई बार आ चुकी है, व्हाट इज रेसिस्टर, एक नंबर में बहुत पूछी गई है। तो लिखो मतलब ऐसा ऐसा वायर या ऐसा कंडक्टर या ऐसा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसका रेसिस्टेंस मॉडरेट है, ना तो हाई ना ही लो, ठीक है, एप्रिशिएबल है, मतलब जितना है उतना है, कम ज्यादा मतलब हल्का फुल्का फर्क है, जितने की जरूरत है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा है या फिर थोड़ा सा कम है, ज्यादा कम नहीं है ना ज्यादा। तो लिखो एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैविंग, एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैविंग सम एप्रिशिएबल, मतलब जिसको एप्रिशिएट किया जा सके, मतलब जिसको अपनाया जा सके, जिसको यूज किया जा सके, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं ना, ना तो पुअर कंडक्टर को ना ही, देखो गुड कंडक्टर को तो खैर यूज कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा कंडक्टर को नहीं, लेकिन नॉर्मली हम कौन सा करते हैं, ये वाला रेसिस्टर वाला। एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैविंग सम एप्रिशिएबल रेसिस्टेंस, हैविंग सम एप्रिशिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर, इज कॉल्ड रेसिस्टर। तो हम इसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टर इज कॉल्ड रेसिस्टर। तो देखो रेसिस्टेंस का मैंने तुम्हें फॉर्मूला वगैरह दिया है, उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं छोटे छोटे। तो देखो मैंने कहा था नंबरिंग मत डालना, नंबरिंग का ध्यान नहीं रहता फिर, तो सीधा बस एक एन लिख दो, लिखो एन, क्वेश्चन लिखो पहले। हाउ मच करंट
हाउ मच करंट विल WIL, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रो फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, फ्रॉम अ 220, बोर्ड पे लिखा हुआ है 220, 2020 मत लिख देना, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम. तो देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, ये तो तुम्हें पता चल गया होगा क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा हुआ था हाउ मच करंट, मतलब कितना करंट इसमें लगेगा, हाउ मच करंट, है ना, मतलब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है आई, करंट मतलब आई. लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन हमें कुछ भी गिवन करे, ये मत देखो कि उसने क्या बोला है, तुम खुद पहचानो कि उसने हमें क्या क्या दिया है. मुझे बताओ 220 के साथ वी लगा हुआ है, और वी किसकी ऐसा यूनिट होती है, वी का मतलब क्या होता है, वोल्ट, और वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, इसका मतलब ये हमें दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस. ओम देखो बोर्ड पे 1200 के साथ क्या लगा हुआ है, ओम, और ओम किसकी ऐसा यूनिट होती है, आर की, है ना, रेजिस्टेंस की, इसका मतलब ये हमें दे रखा है आर. और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये क्या चीज है रेजिस्टेंस, देखो लिखा हुआ था ना, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, है ना. लेकिन क्वेश्चन को मत देखो, खुद पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि अक्सर टेस्ट में या पेपर में वो बताते नहीं है, ठीक है. अब करंट पूछा है, तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें याद है, वी अपोन में आई, बताओ रेजिस्टेंस कितना है 1200, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, करंट कितना है आई, नहीं पता ना, कोई बात नहीं, देखो बोर्ड पे. अब मैंने तुम्हें बस एक ही चीज बताई है 10th क्लास के न्यूमेरिकल में, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, बस इससे ज्यादा बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं. अब देखो आई इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. एक काम करो 1200 को इसकी जगह भेज दो और आई को उसकी जगह भेज दो, ऐसा हम कर सकते हैं ना. मुझे बताओ क्या आई को मैं इधर और 1200 को इधर भेज सकता हूं ना, भेज दो फिर, देखो बोर्ड पे आई तो इधर आ गया और 1200 इसके अपोन में आ गए. जब भी कुछ कटे तो जरूर काटो, सबसे पहले तो 0 से 0 उड़ाओ, अब 2 से 2 उड़ाओ, है ना, 11 अपोन में 60 एम्पियर, ए लगाना मत भूलना. और एक चीज का और ध्यान रखना, पॉइंट में करना मत भूलना, पॉइंट में कन्वर्ट करना है. चलो मैं लिख देता हूं हाथ के हाथ, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके आएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है, तो पॉइंट में जरूर करो. इसी का एक न्यूमेरिकल और करते हैं, बहुत ही आसान है, छोटे छोटे फॉर्मूले लगाने, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, सब कुछ छोटा छोटा है. लिखो बिल्कुल सेम, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, कॉइल समझते हो, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो तार होता है ना, गोल गोल घूमा होता है, जिसमें से हीट निकलती है, उसे कहते हैं कॉइल. कॉइल मतलब किसी के ऊपर गोल गोल लिपटा हुआ, ठीक है. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रो, बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी तक ड्रो, पहले वाले का, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रो फ्रॉम अ 220, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, मतलब सोर्स के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 220 वोल्ट.
फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल इज 100 ओम 100 ओम बोर्ड पे लिखा हुआ है ओम इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल इज 100 ओम ठीक है तो मुझे बताओ ये ओम लगा हुआ है इसका मतलब ये हमें क्या दिया है रेसिस्टेंस इसके साथ वी लगा हुआ है इसका मतलब ये हमें क्या दिया है पोटेंशियल डिफरेंस और फिर से हमसे क्या पूछा है करंट ठीक है फिर से मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा भाई कोई नई चीज थोड़ी ना लगाऊंगा इस बार आर की वैल्यू कितनी है इस बार 100 वी की वैल्यू कितनी है इस बार 220 आई की वैल्यू कितनी है आई ही है वो तो फाइंड आउट ही करना है फिर से वही काम करो आई को इधर भेज दो 100 को इधर ले आओ बताओ यही काम तो कर रहे हैं कितनी बार से जीरो से जीरो काट दो बताओ नीचे एक जीरो सीधा 2.2 बचेगा ना जब नीचे एक जीरो होती है तो पॉइंट एक डिजिट छोड़कर आ जाता है और एम्पियर लगाना मत भूलना जैसे तुमने एम्पियर लगाना भूला वो मार्क्स देना भूल जाएंगे फिर और तुम्हारा ही नुकसान होगा।